कप्तान ने फिर सेहरा बांधने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, लेकिन उन्होंने अभी दुल्हन तलाश की है, ना ही शादी की कोई तारीख दी। भारतीय मीडिया में शाया एक इंटरव्यू में इमरान खान का कहना है कि वो तीसरी शादी का सोच रहे हैं, क्योंकि हिम्मत हारना उनकी फितरत नहीं। ताहम फिर शादी की तो वो ज्यादा मोहतात होंगे। बहुत कम उम्र लड़की से शादी नहीं चाहते, शरीक हयात ऐसी होनी चाहिए जो अपनी जात से आगे सोच सके। खूबसूरती, फैशन और ग्लैमर उनके लिए कशिश नहीं रखते। जमायमा से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जमायमा से शादी के बाद वो मुकम्मल वफादार रहे और किसी दूसरी खातून के साथ उनके ताल्लुकात नहीं रहे। रेहान खान से शादी के बारे में इमरान खान का कहना था कि जब तक उनके बच्चे छोटे थे शादी का नहीं सोचा, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो एक और कोशिश का ख्याल आया, लेकिन ये शादी नहीं चल पाई। जब दोनों के बच्चे बड़े हों तो बहुत मुश्किल होती हैं और मामला पेचीदा हो जाते हैं। उधर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबल में इंकशाफ किया गया कि इमरान खान को किसी रूहानी शख्सियत की जानिब से फिर शादी करने का कहा गया है। ये मुझे जरूर पता है कि इसके अंदर रूहानी मशावरत शामिल है। ये मैं खबर दे दूं कि उसमें कुछ जो जहां लोगों से कुछ लोगों से वो रूहानी मशवरे दे कर रहे हैं। एक मशवरा है जिसके ऊपर वो शायद रूहानियत की बिना पे इसका जा रहा है कि वो ये शादी करेंगे। कप्तान फिर कब दुल्हा बनेंगे और दुल्हनिया कौन होगी, इसका सबको शिद्दत से इंतजार है।